नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया खबर लाइव में। मैं हूं अनूप पांडे। अवैध उत्खनन रोकने पहुंची वन विभाग की टीम पर दबंगों का हमला। वन विभाग की टीम द्वारा जब्त ट्रैक्टर, जबरन छुड़ाने गए दबंग। दर्जनों हथियारबंद लोगों द्वारा वन कर्मियों को दी गई गालियां। वन विभाग के अधिकारियों से पत्थर माफियाओं ने किया अभद्र व्यवहार। घटना का वह वीडियो हुआ वायरल, तीन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज। प्रस्तुत है गंज वासौदा से एलएन चौबे की एक रिपोर्ट। विगत दिवस उदयपुर क्षेत्र में अवैध पत्थर खदानों पर वन विभाग की टीम ने कार्रवाई की और एक ट्रैक्टर ट्रॉली वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया, लेकिन क्षेत्र के दबंग एवं पत्थर माफिया मौके पर पहुंचे और वन कर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली जबरन छुड़ा ले गए। वन विभाग ने देहात थाने में उक्त आरोपियों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण भी पंजीबद्ध कराया। रेंजर ने कहा कि वन विभाग की कार्रवाई में दखल देना बड़ी घटना है। इंडिया खबर लाइव वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। नीचे ट्राली ले जाना। अरे बाबा लोग खराब है यार। जान दो अरे लॉक करा दे बाहर से, कुछ बाहर से बाहर छोड़ी कहाँ है इज्जत? तुमने विवाह की इज्जत छोड़ी कहाँ है तुमने? घटना हुई उदयपुर के लिए और क्या कार्रवाई हुई? कल उदयपुर के क्षेत्र में वन विभाग की भूमि पर दानिश खां, राशिद खां, जुनेर खां अवैध रूप से खुदाई कर कोपरा निकाल रहे थे, जो कि पूरी रूप से अवैध रूप से था और जिस पर वन विभाग के पांच पुलिसकर्मी, इसमें नागेंद्र सिंह भदौरिया, देवेंद्र सिंह राजपूत, पिंकेश गुर्जर, प्रथम जैन और राहुल अहिरवार द्वारा उन्हें इस कार्य के लिए रोका गया, जिसमें उन्होंने उसके साथ उन आरक्षकों के साथ बदतमीजी करी, उनके कार में बाधा पहुँचाई जब उसका पंचनामा वगैरह बनाने लगे। इसकी सूचना हमें वहाँ के रेंजर ने एक आवेदन लिख के दी गई है कि आलिक सक्सेना जो वहाँ के रेंजर हैं उन्होंने हमें उन पर कार्रवाई करने हेतु एक आवेदन पेश करा है, जिस कार आवेदन कैसे हमने आरोपी राशिद खां, दानिश खां और जुबेर खां के विरुद्ध धारा 353, 294, 506 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध निर्देशना में दिया गया है। आरोपियों की तलाश करने के लिए टीम उनके घर पर दबिश में रवाना की गई थी, परंतु आरोपी की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है और उनकी गिरफ्तारी के प्रयास